हेलो गाइस, आफ्टर 14 मंथ्स। तो गाइस, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि भाई मैंने जो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैं पागल था उस चीज़ के लिए कि भाई मेरे को मतलब आई वॉज लिटरली गेटिंग एंक्शियस कि भाई अगर मैंने वीडियो नहीं डाली है तो मेरे को दिक्कत होती थी। लेकिन अब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी 14 मंथ्स पहले, मतलब आज डेट है 22 सितंबर, और लास्ट वीडियो मैंने कुछ डाली थी जुलाई में। तो बहुत टाइम हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगा कि भाई अगर मेरे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ को, पूरे प्रोसेस को, कि भाई क्या हो गया, क्यों वीडियो नहीं डाल रहे, तो मेरे पास लगता है कि बहुत ज़्यादा एडल्टिंग हो गई है कि भाई मैं अपना स्टूडेंट फेस से इधर पूरा जॉब फेस में ट्रांजिशन, और फिर बहुत सारा शिफ्टिंग, घर लेना, ये वो ऐसा वैसा बहुत कुछ। मतलब इफ यू गाइज डोंट नो, मेरे को 3 साल हो गए हैं इधर यूके में। 6 सितंबर 2021 को मैं फर्स्ट टाइम आया था इधर, लेकिन अब 3 साल हो गए, मैंने वो भी सेलिब्रेट नहीं करा। लिटरली मैंने ऐसा है कि भाई वो दिन ऐसे ही चला गया, क्योंकि वो वीकडे पे आ रहा था। अभी जो मेरे पास लिटरली टाइम है वो वीकेंड्स पे है। वीकडे पे मेरे को ऐसा जॉब जॉब से याद आया, मेरे को बेटर पोजिशन मिल गई है और ज़्यादा जॉब मैंने स्विच कर ली है अपनी। तो बहुत कुछ है जो मेरे को आपको बताना है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कैचअप करवाना ही नहीं, 10-15 वीडियोस तो कैचअप नहीं चली जाएंगी, ऐसा कि भाई क्या कंटेंट है। और जिस चीज़ के लिए मैं आया था यूके, वही मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई। भाई आपके भाई ने गोल्ड मेडल लिया है ब्रूनेल यूनी से, क्या बात। तो बेटर जॉब मिल गई है, डिग्री हो गई है, सब मतलब ऐसा सब कुछ चल रहा है लाइफ में। बहुत ज़्यादा एडल्टिंग हो गई है। यूरोप का वीज़ा है अभी भाई के पास, कोई ऐसा इंडियन पासपोर्ट किसका में यूके पासपोर्ट और इंडियन पासपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं है। अभी अपने पास 1 साल का यूरोप वीज़ा है, शेंगेन में मैं कहीं पे भी कभी भी आ जा सकता हूँ। अब मेरे पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है अपना, वो बन गया है। मैंने BMW 3 सीरीज गाड़ी ली थी भाई, वो पर बेच दी, वो एक अलग बात है, उसकी भी एक लंबी कहानी है। मैं फिर कभी बताऊंगा आपको कि क्या हुआ क्या नहीं सीन। तो अभी मैं यहाँ पे मूव हुआ, हॉस्टल एकोमोडेशन छोड़ के अभी इधर मूव हुआ। तो अभी यहाँ पे भी अभी मैं नवंबर में मूव आउट होने का टाइम आ गया है भाई, वो सब भी आपको बताना है। तो बहुत कुछ है मतलब ऐसा कि, और सबसे ज़्यादा यूट्यूब भाई, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारा रिश्ता है यूट्यूब का, वही नहीं हो पा रहा था, तो यूट्यूब चलाना मैंने बंद कर दिया था। तो अभी गाइस ये सब को हम चेंज करेंगे, मैं ऐसा दोबारा कंटेंट क्रिएट करूंगा, दोबारा वीडियोस बनाऊंगा। ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है इमोशनल हो रहा हूँ भाई, ऐसा सच में लिटरली ऐसा बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो ये नई वीडियो बन रही है, ये भी नए कैमरे में बन रही है भाई, अल्फा सोनी A7 III ले लिया है आपके भाई ने, तो वो भी मैं आपके बताऊंगा ऐसा वैसा। एक और है, फोन की स्क्रीन टूट गई है, वो एक अलग स्टोरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं यूरोप में भी गया था, आइसलैंड की ट्रिप्स की भी मैंने वीडियो शूट करी हैं, तो वो सारा भी कंटेंट है। और नए वीज़ा पे चला गया हूँ, उसकी भी मेरे को आपको डिटेल्स बतानी है। तो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं जल्द। अभी मैं दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब की, और मैं ऐसा ट्रांजिशन कर रहा हूँ कि भाई इंस्टा पे भी मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूँगा। अगर आप लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मैंने स्टोरीज भी डालना बहुत कम कर दिया है, जबकि मैं इतना इस पीरियड में इतना घूमा हूँ और इधर उधर की इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अभी तो उस सबको नए जर्नी पे स्टार्ट करेंगे और न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं, नए नए चैनल्स। और मैंने ऐसा है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का भी मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करूँ, ताकि अपने ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड हो, नए लोगों से मिले, नए लोग जुड़े, अपनी एक कम्युनिटी बने। तो अभी इस सर्कल को, इस जर्नी को, कि भाई जो 14 मंथ्स का स्टैंड स्टिल था उसको तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और स्टे ट्यून गाइस, और बॉय फ्रॉम लंडन, बॉय फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम लंडन, भूल गया हूँ भाई मैं, अब क्या हो रहा मेरे को ये ऐसा। तो लव फ्रॉम लंडन, बॉय फ्रॉम इंडिया। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, और ऐसा स्टे ट्यून्ड। Yeah.